तो फ्रेंड्स अभी मिस चैम्बर को वेल्डिंग करवाना पड़ेगा क्योंकि इधर से टूट गया है। और चैम्बर का वेल्डिंग सक्सेस होता है ना होता मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो इधर गाइड फंसती है टाइमिंग चेन की, उधर का नक्का टूट गया है। तो टूटने के कारण पूरी गाइड निकल गई थी और इधर भी टाइमिंग चेन लग के पूरा घिस गया है। आप ऊपर से भी देख सकते हो कि इधर कितना ये होल के पास पतला हो गया है। तो अभी हम देखेंगे कि इसका वेल्डिंग होता है या नहीं होता है। तो अभी मैं लेके जाता हूँ। ये आप देख सकते हो कि जो टाइम चैम्बर टूटा था उसको हमने वेल्डिंग करवा दिया है इधर। और जो कंप्लीट फिनिशिंग होता है वो नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा चौड़ा हो जाएगा क्योंकि एल्युमिनियम गर्म होके पिघलता है। तो थोड़ा साइड में ज़्यादा आ रहा था तो बाद में हमने थोड़ा सा इधर से घिस भी लिया है। देख सकते हो आप कि ड्रिल की वजह से इधर से घिसा है और इसमें जो गाइड रहती है वो कंप्लीट आ जाएगी। हमने डाल के भी देखा है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो अभी हम इसको वॉश करेंगे अच्छे से और ये ऑयल लाइन चेक करेंगे। जैसे ऑयल आता है ऊपर में इधर और इसमें भी जाता है तो दोनों लाइनों को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और पूरे चैम्बर को क्लीन करके अभी हम इसका फिटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इतना ही आप बिल्डिंग करवा सकते हो चैम्बर का, लेकिन वो जो तजुर्बे वाला इंसान हो उसके पास करवाने का है कि जो कार के हेड वगैरह का काम करता है बिल्डिंग का उसके पास जाके करवाने का है। वरना कोई ऐसा तैसा मिल जाएगा बिल्डर तो पूरा चैम्बर भी ख़राब कर देगा और पैसों का भी नुकसान हो जाएगा। तो ये करने के सिर्फ उन्होंने 50 रुपये लिए और ये हमारा चैम्बर कंप्लीट हो गया। वरना ये नया डालते तो 2500-3000 रुपये का मिलता। तो अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।